नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है रुद्र होम रेमेडीज में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हर मर्ज की दवा है, सिर से लेकर पांव तक हर रोग का इलाज करती है। आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं ये छोटे छोटे काले बीज, इसे कमाल के फायदे मिलते हैं। इसे हम कलौंजी बीज कहते हैं। इस बीज का इस्तेमाल ज्यादातर अचार बनाने और आयुर्वेदिक दवाइयों बनाने में किया जाता है। ये बहुत ही पावरफुल बीज है दोस्तों, बस इसके सही इस्तेमाल का तरीका पता होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में कलौंजी बीज के अलावा दो और बीजों का इस्तेमाल करेंगे और इनसे हम बनाएंगे बहुत ही पावरफुल जबरदस्त होम रेमेडी। मैं आपको तीन ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही पावरफुल है। इसके इस्तेमाल से आप शरीर की लगभग 70-80% बीमारियां जड़ से ठीक कर लोगे। अगर आप इन तीन चीजों का सेवन नियमित तौर पर करेंगे ना, तो आपके जोड़ों में, घुटनों में जो दर्द हो रहता है, कमर में जो दर्द रहता है, नसों में अगर कमजोरी आ गई है, नसों में ब्लॉकेज है, तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। शरीर की जितनी भी तकलीफें हैं वो सारी दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर हार्ट में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, शारीरिक कमजोरी हो गई है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि ये रेमेडी आपके बहुत काम आने वाली है और बहुत फायदे देने वाली है। आइए जानते हैं रेमेडी को तैयार करने का सही तरीका। जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहले इस्तेमाल करने वाले हैं वह है कलौंजी का बीज। कलौंजी बीज को ब्लैक क्यूमिन सीड्स भी कहा जाता है। इस बीज को आपके क्षेत्र में, आपके शहर गांव में किस नाम से जाना जाता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। कलौंजी बीज में फाइबर, अमीनो एसिड, विटामिन बी, नियासिन और विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें दो बहुत ही पावरफुल कंपाउंड पाए जाते हैं, थायमोक्विनोन और थायमोहाइड्रोक्विनोन। ये दोनों ही चीजें कलौंजी को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। अगर सुबह इसे खाली पेट लेंगे ना, तो आपको कई बीमारियों से ये छुटकारा दिलाएगी। कलौंजी हार्ट के सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत अच्छी होती है। खराब कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करती है, शुगर को कंट्रोल रखती है। अगर किसी इंसान को कैंसर का खतरा महसूस हो रहा हो तो ये उसको भी ठीक कर सकती है। साथ ही यह नसों में होने वाली ब्लॉकेज को दूर करती है, घुटनों में होने वाले दर्द व सूजन को दूर करती है, यहाँ तक कि ये अंदरूनी कमजोरी को भी दूर करती है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखती है, हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो, इसमें भी ये कमाल के फायदे देती है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये जानना भी जरूरी है क्योंकि कलौंजी को बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके कम ही इस्तेमाल से इसका रिजल्ट मिलने लग जाता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वह है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी। अलसी शरीर की काफी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए रामबाण साबित होती है, खास करके ये हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को खत्म कर सकती है। आप इस अलसी का सेवन करके अपने शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर सकते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। साथ ही हमारे डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करती है। अलसी को अगर रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से सेवन करते हैं तो यह हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, हमारे स्किन पर ग्लो लाती है, बालों को काला और घना बनाती है। ये हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारी ब्यूटी का भी ख्याल रखती है। दोस्तों, फ्लैक्स सीड्स के एक नहीं सैकड़ों फायदे हैं, लेकिन इसका भी सेवन करने का तरीका सही पता होना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर भी बहुत ज्यादा गर्म होती है। अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, शरीर का नेचर पित्त वाला है, तो ऐसे लोग इसका सेवन कम ही करें। वैसे मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ, ये वात, पित्त, कफ तीनों ही तरह के लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरी चीज जो इस्तेमाल करेंगे वह है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी का दाना। दोस्तों, मेथी दाना शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मेथी हमारे शरीर से वात और कफ को दूर करती है। इसके अलावा शरीर में बढ़ी हुई सूजन को दूर करती है, ये खून को साफ करती है, हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करती है, इससे पेट से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। अगर आपके पेट में गैस बनती है, कब्ज की समस्या रहती हो, तो इस समस्याओं को भी ये दूर करती है। इसके अलावा ये डायबिटीज को क्योर करती है, हाई बीपी को कंट्रोल करती है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है, नसों से संबंधित दिक्कत है जैसे साइटिका है, नसों में दर्द की समस्या है, नसें कमजोर हो गई है या फिर नसों में ब्लॉकेज हो गया हो, तो इसके इलाज के लिए भी मेथी का इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पर तीन पावरफुल बीजों का इस्तेमाल करके बेहतरीन होम रेमेडी बताएंगे। कैसे करना है, कितनी मात्रा में इन बीजों को लेना है, ये जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक गिलास लेना है और इस गिलास के अंदर हम ऐड करेंगे आधा चम्मच अलसी के बीज। यहाँ हम एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं। मैं आपको इसके इस्तेमाल करने के दो तरीके बताऊंगा, जिसमें पहला तरीका क्या है ये देख लीजिए। आधा चम्मच अलसी डालने के बाद इसमें डालना है 1/4 चम्मच कलौंजी। ये आप जो चम्मच देख रहे हैं ये 1/4 टीस्पून का चम्मच है,
इससे भरकर हम एक चौथाई चम्मच कलौंजी इसमें ऐड करेंगे और इसके अलावा डालेंगे एक चौथाई चम्मच ही मेथी के दाने। इससे ज्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान भी कर सकती है। सुबह आप देखेंगे तो तीनों ही बीज अच्छे से फूल चुके होंगे। आपको सबसे पहले पानी को छानकर इन बीजों को अलग कर लेना है। हमें पानी का भी सेवन करना है और बीजों का भी सेवन करना है। आपको करना क्या है, सुबह पानी को हल्का गुनगुना कर लेना है और इसे बासी मुंह बगैर ब्रश किए बगैर कुल्ला किए आराम से पी जाना है। इतना गर्म कीजिएगा जितने आराम से आप पी सको, हल्का सा गुनगुना भी कर लो ना काफी हो जाता है। इसके बाद आपको फ्रेश होकर आ जाना है। फ्रेश वगैरह होने के बाद आप इन बीजों को एक चम्मच शहद के साथ चबा चबा कर खा लें। देखिए ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, आराम से चबा चबा कर इसे खा सकते हैं, ये कड़वी भी नहीं लगेगी। शहद के साथ लोगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पर शहद का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ इन बीजों का इस्तेमाल करने का। सुबह घर पर अगर चपाती रोटी वगैरह खाते होंगे आप, तो आप जब भी आटा गूंथो रोटी बनाने के लिए तो उस आटे में से मिक्स कर लो और रोटी बनाकर इसे खा लो। या फिर एक तरीका और है इसका इस्तेमाल करने का, इसका चूर्ण बनाकर इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, 100 ग्राम अलसी लीजिएगा, 25 ग्राम मेथी लीजिएगा, 25 ग्राम कलौंजी लीजिएगा। इन तीनों चीजों को मिलाकर इन तीनों चीजों को पीस लीजिएगा, पाउडर बना लीजिएगा और रोजाना इस पाउडर का एक टीस्पून गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट लीजिएगा। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए, एक तरीका भिगो कर लेना है और दूसरा तरीका इसका पाउडर बना कर लेना है। भिगो कर वे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पेट में गर्मी बनती हो, जिनका शरीर पित्त प्रकृति का हो, वे लोग भिगो कर ही इस्तेमाल करें, पाउडर बनाकर वे लोग इस्तेमाल ना करें। बाकी जिनका शरीर का नेचर वात है या फिर कफ है तो वे लोग पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सर्दी के मौसम में इस रेमेडी को बेफिक्र होकर इस्तेमाल कीजिएगा और जितनी क्वांटिटी बताई गई है उतनी ही मात्रा आपको इस्तेमाल में लाना है। दोस्तों अगर आप इस तरह से 15 दिन रोजाना सेवन करेंगे ना, तो आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, खराब कोलेस्ट्रॉल है, नसों में कमजोरी है, नसों में ब्लॉकेज है, डायबिटीज है, खून में शुगर की मात्रा हमेशा बढ़ी हुई रहती है, या फिर आपके जोड़ों में घुटनों में भयंकर दर्द रहता है। अभी ठंड का मौसम शुरू हो चुका है दोस्तों, ठंड के मौसम में वात का प्रकोप बढ़ जाता है, तो वात वाले रोग काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या उभर जाती है। कहीं पुराना चोट होगा हड्डियों में तो ठंड की वजह से वहां पे दर्द भी उभर आते हैं। तो अगर आपको जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या हो, हड्डियों से संबंधित कोई भी रोग हो ना, वात शरीर में बढ़ गया हो, तो इस रेमेडी को लीजिएगा। कम से कम 15 दिनों तक लगातार लेने हैं और इस रेमेडी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा 45 दिनों तक लगातार आप कर सकते हैं। इसके अलावा आगे और लेना चाहें तो 45 दिनों के बाद 15 दिन का गैप दीजिएगा, क्योंकि किसी भी मेडिसिन को होम रेमेडी को लगातार लेते हैं तो शरीर को इसकी आदत हो जाती है। इसलिए 15 दिनों का गैप दीजिएगा और फिर से उसके बाद 45 दिनों तक ले सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।